नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी जैसी छोटी सी पार्टी के हाथों बुरी तरह हार गई। बीजेपी को दिल्ली की 70 सीटों में सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन अब बीजेपी की हार पर आरएसएस ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में दिल्ली चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर एक लेख छपा है, जिसमें बीजेपी की दिल्ली इकाई से लेकर तमाम उम्मीदवारों और उनके बयानों को लेकर विस्तार से बताया गया है। इस लेख को एडिटर प्रफुल्ला केतकर ने लिखा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि दिल्ली में सिटी स्टेट वोटिंग बिहेवियर को समझने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी को एक पार्टी होने के नाते ये समझने की जरूरत है कि हर बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव में जीतने के लिए मदद नहीं कर सकते। पार्टी को विधानसभा स्तर पर नए तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। दिल्ली में स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि एक खराब उम्मीदवार सिर्फ इसलिए खुद को बेहतर होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखता है वो बेहतर पार्टी है। एक दुष्ट दुष्ट ही होता है। इस लेख में शाहीन बाग को मुद्दा बनाए जाने पर भी विस्तार से लिखा। उन्होंने दिल्ली की हार के दो मुख्य कारण बताए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी के बिल में कटौती करके सीधे 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया था। उनके खिलाफ दिल्ली में कोई माहौल नहीं था। बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि 2015 के बाद ना तो कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया और ना ही चुनाव प्रचार की शुरुआत सही वक्त पर हो पाई। आर्टिकल में शाहीन बाग के बारे में भी विस्तार से लिखा है। केतकर के मुताबिक आपने शाहीन बाग का बहुत फायदा उठाया। शाहीन बाग नैरेटिव बीजेपी के लिए इसलिए फेल हो गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर एकदम स्पष्ट थे। सीए के बहाने मुस्लिम कट्टरवाद के जिस जिन का प्रयोग हुआ वो केजरीवाल के परीक्षण का मैदान बन गया। केजरीवाल ने इस खतरे पर सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाया। उनका हनुमान चालीसा पढ़ना कितना सही था। दरअसल इस बात के जरिए आरएसएस ने बीजेपी को यह नसीहत देने की कोशिश की कि केजरीवाल जिस तरह से भगवा अवतार ले रहे हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है। इससे पहले भी खबर आई थी कि संघ और वीएचपी दोनों ने ही हिंदू केंद्रित राजनीति की, जिसकी वजह से केजरीवाल ने अपना ट्रेंड बदला। ये उनकी असली साइड नहीं है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको 62 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीट ही मिली। चुनाव में मिली हार की समीक्षा करते हुए अमित शाह ने भी माना था कि उनकी पार्टी को हिंदुस्तान पाकिस्तान जिन्ना, गोली मारो और केजरीवाल को आतंकी कहने वाले बयान भारी पड़े और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा।